Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Ghania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. And today I'm here to discuss a very important question. The question जो मैंने हमेशा अपने career decision से पहले पूछा है अपने आप से, उसका answer find करने की कोशिश करी है, and then only I have taken any kind of career decision. So the question is, why UGC NET? आप UGC NET क्यों करना चाहते हैं? Because until unless you know the reason, the rationale behind qualifying UGC NET, आप बाद में एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कंफ्यूज्ड हो जाएंगे. आपको कंफ्यूजन बनी रहेगी कि क्या आपको टीचिंग में जाना चाहिए, क्या आपको रिसर्च में जाना चाहिए, या फिर आपको कॉर्पोरेट जॉब्स देखने चाहिए. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट कुड बी द वेरियस अपॉर्चुनिटीज, व्हाट कुड बी द वेरियस सिचुएशंस, एंड दिस विल हेल्प यू टेक अ मेजर डिसीजन पोस्ट योर यूजीसी नेट. सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू यू इज वर्किंग एज अ फुल टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर. So, अगर आपने UGC NET क्वालिफाई कर लिया है तो आप उन कॉलेजेस में जा सकते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं जो सिर्फ मास्टर्स प्लस UGC NET के बेसिस पे आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट कर लेता है. बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो बहुत सारे आईपी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं, नोएडा में बहुत सारे मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल्स हैं जहां पे आप बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह पढ़ा सकते हैं, एंड दे वेरी वेल वेलकम यू टू टीच द स्टूडेंट्स. द सेकेंड एस्पेक्ट इज कि अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग तो पसंद है ही, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव योर सेल्फ सम टाइम इन एक्सप्लोर ऑन द रिसर्च जर्नी, देन आई वुड सजेस्ट कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद यू कैन हैव द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज गो एंड इनरोल फॉर पीएचडी. पीएचडी अपनी खत्म करिए. पीएचडी के टाइम पीरियड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सारी निटिग्रिटीज पता चल जाएंगी रिसर्च की, एंड उसके बाद यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर यू वॉन्ट टू गेट इन टू टीचिंग और यू वॉन्ट टू गेट इन टू रिसर्च. अब ये दो ऑप्शंस तो जनरली सबको पता होते हैं. नाउ द थर्ड ऑप्शन इज कि अगर आपको लगता है यू आर ओनली पैशनेट टुवर्ड्स रिसर्च एंड आप एज अ फुल टाइम रिसर्चर काम करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू हैव द ऑप्शन दैट वंस यू क्वालिफाई योर यूजीसी नेट, आप कहीं पे भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एज अ रिसर्च असिस्टेंट एज वेल एज रिसर्च एसोसिएट काम कर सकते हैं. सो होता क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आईएसबी हैदराबाद हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, इवन आईआईटीज हो गए, वो लगातार वैकेंसीज निकालते रहते हैं ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जहां पे आपको प्रोफेसर्स के अंदर इनरोल करा दिया जाएगा, एंड फॉर द टाइम बीइंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 months to 1 year अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं, वहां पे आपको ट्रेन किया जाएगा अंडर अ पर्टिकुलर प्रोफेसर एंड ही विल बी टेलिंग यू, ही विल बी टीचिंग यू ऑल द रिसर्च रिलेटेड एस्पेक्ट्स. सो दैट कुड बी द थर्ड ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन ये है कि अगर आप कभी भी लाइफ में अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करना चाहते थे बट ड्यू टू योर बैकग्राउंड और ड्यू टू एनी ऑफ योर रीजंस यू कुड नॉट गो फॉर इट एंड आप बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाते थे, जाना चाहते थे, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करना चाहते थे, तो अब आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके पीएसयूज में काम कर सकते हैं. सो यस, यू हर्ड इट राइट, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ONGC सेल, जो लगातार हर साल अपनी वैकेंसीज निकालते रहते हैं, एंड उनकी रिक्रूटमेंट का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप एटलीस्ट यूजीसी नेट क्वालिफाई होने चाहिए. पोस्ट दैट यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर द इंटरव्यूज, एंड अगर आप वो इंटरव्यूज क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इन पीएसयूज में भी काम कर सकते हैं. मैं एक और छोटी सी जानकारी दे दूं कि मेजरली जो वैकेंसीज निकलती हैं वो यूजीसी नेट एचआर या फिर यूजीसी नेट मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए निकलती हैं, तो आप इस पे जरूर नजर रखिए, इनकी लगातार वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं. सो आई होप कि अब आपको चार ऑप्शंस पता चल गए, दैट इज टीचिंग, पीएचडी, वर्किंग एज अ रिसर्च एसोसिएट और गेटिंग इंटरव्यू अ पीएसयू. तो ये चार ऑप्शंस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप अपने वाई का डिसीजन ले सकते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशंस के दौरान इन सारी चीजों पे भी साइमल्टेनियसली फोकस कर सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट हैव टू वेस्ट टाइम, यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड आफ्टर क्वालिफाइंग योर यूजीसी नेट. तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डाउट है जो मैं रिजॉल्व नहीं कर पाया हूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. So that was all for today. Thank you and have a nice day.